आप सबकी अनुमति से आरंभ किया जाए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 72वां शहीदी दिवस है और आज 30 जनवरी को उनको गोली मार के शहीद किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हम उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस घृणा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो घृणा आज भारत की सत्ता के ऊपर काबिज है। अभी जिस किस्म का दुखद वाक्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुआ, जहां पर शरेआम एक अज्ञात शख्स ने गोलियां चलाई, वो इसी घृणा की देन है जो वातावरण ना पिछले एक महीने में इस मुल्क में बनाया गया। और जिस तरह का दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, वो इस सारे घृणा के माहौल में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक संयोजित तरीके से इस मुल्क में और खासकर दिल्ली में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत आला पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग, जिनको अपनी जिम्मेदारी का तकाजा नहीं भूलना चाहिए, वो जिस तरीके से खुलेआम जो बयानबाजी की जा रही है, वो मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं की सारी सीमा पार कर चुके हैं। कल संसद का बजट सत्र शुरू होगा और महात्मा गांधी जी की जो रूह है वो सिसक रही होगी कि किस तरह से इस देश की अंतरात्मा को और इस देश की अर्थव्यवस्था को इस भाजपा सरकार ने पूरी तरह से रौंदा है। एक तरफ गांधी जी ने इस देश को स्वाधीनता दिलवाई और उसकी दूसरी तरफ उनका यह भी मानना था कि इस मुल्क में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो आखिरी कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी खुशहाल हो, उसका जीवन भी संपन्न हो और ये देश उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे। पर ये बहुत ही एक विडंबनापूर्व बात है कि आज से कुछ वर्ष पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो इस देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी के हिसाब से
उसका मूल्यांकन किया जाता था, उसको नापा जाता था कि भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ा। आज से 5 वर्ष पूर्व जब यूपीए की सरकार का कार्यकाल था तो ये जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर था ये साल बर साल 10 साल 8.2% की रफ्तार से बढ़ता रहा। 19 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। पर आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना है तो उसका मापदंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, उसका मापदंड है GMI। और इस GMI का विस्तृत विश्लेषण यह है कि ग्लोबल मिजरी इंडेक्स, अगर आज भारत सरकार का भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन आप करें तो आप GDP से नहीं कर सकते, उसको ग्लोबल मिजरी इंडेक्स से करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल मिजरी इंडेक्स क्या चीज है, तो आप जाके इसको गूगल करिएगा। बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही विचित्र पर बहुत ही पैना इंडेक्स है। कई वर्ष पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ऑथर ओकून। उन्होंने और रॉबर्ट बैरो उन्होंने एक इंडेक्स इजाद किया कि लोगों की जो परेशानी है उसको कैसे मापा जाए। तो इस जो परेशानी का इंडेक्स है इसका नाम रखा उन्होंने मिजरी इंडेक्स। और वर्ष 2011 में एक अमेरिका के और अर्थशास्त्री है, उनका नाम है स्टीव हैंक, उन्होंने इस इंडेक्स को दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर इस्तेमाल किया। अब इस इंडेक्स के 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है बेरोजगारी दर, दूसरा पहलू है महंगाई दर, तीसरा इसका पहलू है ब्याज दर, और चौथा इसका पहलू है कि हर वर्ष जो GDP है उसमें कितना बदलाव आता है। और जब इन 4 मापदंडों को जोड़कर एक स्कोर निकाला जाता है तो उसको मिजरी स्कोर कहते हैं। और अमूमन ये पाया गया है कि जो विकसित देश हैं उसमें जब ये मिजरी इंडेक्स 10 से ऊपर जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनमें थोड़ी सहनशीलता ज्यादा होती है, तो अमूमन जब ये मिजरी इंडेक्स 20 पे पहुंचता है या उससे ऊपर जाता है तो ये सत्ता परिवर्तन करता है। वर्ष 2016 में ये जो मिजरी इंडेक्स था ये 17.1 था भारत के लिए, मतलब दुनिया के सारे मुल्कों में से भारत का स्थान 20वें नंबर में था कि जितने परेशान मुल्क हैं दुनिया में उनमें भारत का स्थान 20वें नंबर पे आता था। वर्ष 2018 में
ये जो मिजरी इंडेक्स था ये घट के 13.2% हो गया, 13.2 हो गया। और भारत का स्थान 44 हो गया। मतलब अगर पहले नंबर पे सबसे परेशान मुल्क को आप माने तो हम 44वें नंबर पे थे। वर्ष 2020 में अगर आप इस मिजरी इंडेक्स के ऊपर भारत का मूल्यांकन करें तो जो हमारा बेरोजगारी दर है वो लगभग 8.5% है, जो हमारा महंगाई दर है वो लगभग 7.35% है, जो हमारा ब्याज दर है वो 9.4% है, और अगर आप जीडीपी को 3.75% 4% पे लगाएं तो इसका स्कोर बनता है 21.5। और हमारा ये अनुमान है कि जब तक ये वर्ष खत्म होगा ये मिजरी स्कोर 25 पर पहुंच जाएगा। और ये वो जोन है जिसमें लोगों की परेशानी, उनका गुस्सा सड़क पे दिखना शुरू होता है। और सत्ता परिवर्तन के जो का जो स्वरूप है वो उजागर होना शुरू होता है। और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था के कोई भी मापदंड उठा के देखें तो इस मिजरी इंडेक्स को प्रमाणित करते हैं। जब यूपीए का दूसरा कार्यकाल था जिसको विपक्ष ये कहता था कि ये पॉलिसी पैरालिसिस के साल हैं, अगर उससे भी पिछले 5 वर्ष की तुलना की जाए तो जो उन 5 वर्षों के आंकड़े थे वो पिछले 5 वर्षों से बेहतर थे। और मैं यूपीए 1 का तो जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ 4 आंकड़े देता हूं। वर्ष 2010 से लेकर 2014 तक जो इस देश का जीडीपी का वृद्धि दर था वो 7.68% था। अगर आप पूरे 10 साल का देखें तो 8.2% बनता है। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक वो जो वृद्धि दर, वो जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है वो 7.33% था। जो ग्रॉस सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो है कि अगर आप बचत करेंगे तो ही बैंकों में पैसा होगा और तो ही निवेश होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वर्ष 2010 से लेकर 14 तक ये 34.71% था। और पिछले जो 4 वर्ष निकले हैं 15 से लेकर 18 तक, मतलब 31 मार्च 2019 तक, ये घटके 31% रह गया। जो नेट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है कि आपके कितना निवेश हुआ वो उन 4 वर्षों में 33.24% था, पिछले 4 वर्ष में घटकर वो 28.9% रह गया। जो कृषि का वृद्धि दर था वो उन 4 वर्षों में 4.2% था 5 वर्षों में, और पिछले 4 वर्षों में घटकर 2.5% रह गया। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो उन 5 वर्षों में 2.25% से बढ़कर 3.84% हुए, और पिछले 5 वर्ष में वो 3.84% से 10.4% तक पहुंच गए। ये आंकड़े देने का तात्पर्य ये है कि हर मापदंड के ऊपर
पिछले चार वर्ष में, पांच वर्ष में, और खासकर जो ये आठ महीने एनडीए के दूसरी सरकार के निकले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और हमारा ये मानना है कि ना इस सरकार के पास नीति है, ना इस सरकार के पास दिशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जिस गड्ढे में इन्होंने धकेला है उससे उसको निकाल पाए। इफ यू वॉन्ट टू रिपीट इन इंग्लिश आई कैन डू इट, अदरवाइज आई लीव इट हियर। वेल, टुडे इज द 72nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। The Indian National Congress pays its tribute to the father of the nation. But it is important to recall that the hate that led to the murder of the father of the nation, Mahatma Gandhi, is the hate which rules this country today. What happened in Jamia Millia Islamia University just a couple of hours ago is a live manifestation of this specter of hate and terror which has been perpetrated across this country by the NDA BJP government, especially since the end of the winter session of Parliament. The kind of statements which have been emanating out of the BJP leadership in the Delhi Assembly elections, it seems that they have even dropped the pretense of any civility. Such crass and naked communalism being perpetrated from the topmost echelons of the BJP and this government cannot but be the most eloquent testimony to the manner in which they seek to reduce the social and political discourse in this country to the basest level. Tomorrow, the budget session of the parliament would begin. And it would be trite to say that had the great Mahatma been alive today, he would have been an extremely sad man. For the manner in which the NDA BJP government has mutilated the soul of India and trampled upon the economy of this country, it would have been indeed very sad for him or for any of the founders of the great Indian Republic to witness. While Mahatma Gandhi gave us independence, he also was a firm believer in the socio-economic emancipation of the last man in the last row. And therefore, as we stand on the cusp of the union budget for the year 2021, one cannot help but say that there was a time not very far ago, 5 years back, when the economy of this country used to be measured in terms of its gross domestic product, that the GDP of India grew by 1%, grew by 2%, and during the 10 years of UPA, it did grow by 8.2%, 8.02% year on year for 10 years. 190 million people were lifted out of poverty.
But if today you were to measure the economy of India, the GDP would be a completely incorrect barometer. The correct matrix to measure the economy of India today is the global misery index. So rather than GDP, the more appropriate measure for the Indian economy is the GMI, that is the global misery index. Now this index was conceptualized by an American economist, applied to the American economy over decades. But in 2011, an American economist actually extrapolated it to the rest of the global economies. Steve Hank was this gentleman's name. It's a very interesting index. I would recommend that all of you actually Google it and have a look. What are the fundamentals of this index? The fundamentals of this index are, it benchmarks as to how miserable people are in a particular geography or in a particular economy. And the measure of this index is that it benchmarks an economy on four parameters. The first is the unemployment rate. The second is the inflation rate. The third is the lending rate. And then you subtract all these three rates, or you subtract the annualized growth of GDP from the sum total of these three rates. And that gives you a score which really defines how miserable people living in a particular geography are. The interesting thing is that when the score crosses 10, you find political change starting to manifest itself. Governments in developed countries have actually changed when the score has actually crossed 10. Developing countries, you have a little more patience. Invariably, when it crosses 20, that's when you find discontent starting to manifest itself, you know, resulting in regime change, a government change. So currently as we speak, the unemployment rate in India stands at 8.5%. The headline inflation rate is at about 7.35%. The lending rate, or the interest rates at which banks lend money, is broadly at about 9.4%. And if you subtract the annualized growth of GDP, which is about 3.5%, then you get a score of 21.5. So, on the misery index, the NDA-BJP government is squarely in the red zone. And when you catalog this index, India was the 20th most miserable country in 2016. It fell to the 44th position in 2018. And today, with a score of 21.5, it's again back among the first 20 most miserable countries. And if you look at any economic parameter on which you can benchmark the Indian economy, you would find that it actually validates this score completely. GDP growth last year was the lowest in 11 years. Private consumption was the lowest in 7 years. Investments were slowest in the last 17 years. Manufacturing was the slowest in 15 years. And agriculture was the lowest in the last 4 years. So every benchmark that you use actually validates the misery index. And so therefore, in the 5 years of the NDA-BJP government, we've come to a pass
whereby the more appropriate barometer for benchmarking the Indian economy is no longer the growth of the GDP, but unfortunately the growth of the global misery index. And the sad part is that this government, which is going to present the budget for 2020-21 on the 1st of February, does not have a clue, a plan or a policy as to how it will really redeem the Indian economy from the hole that it has pushed it into. Floor is all yours. I'm sorry I took a little extra time. Look, Sunil, obviously there would be an investigation which would play itself out. But what happened in Jamia is a reflection of the atmosphere of hate and withdrawal that we have created in the capital, or the NDA BJP government has created in the capital over the past 1 month, ever since the winter session of parliament ended. Now, is this a calibrated plan to polarize the entire country because the economy is in deep trouble and this government does not have a clue as to what it really needs to do with the higher direction of this nation? Or is it only specifically aimed at the Delhi Assembly polls? I think the jury will remain out on that for a couple of days. But the fact remains that if somebody can actually, in broad daylight, with hundreds of people watching, pull out a gun and with impunity try and go around shooting people, it's a reflection of an atmosphere which has been deliberately vitiated, and nobody except the current NDA BJP government is responsible for it. Dekhiye, ye jo दर्जा प्राप्त या बिना दर्जा के हैं, इनके ऊपर बयान देके उनको सुशोभित नहीं करना चाहते। परखल बहुत लंबा वक्तव्य मैंने दिया है कि किस तरह से एक संयोजित तरीके से इस देश की अंतरात्मा को झंझोड़ा जा रहा है, और महात्मा गांधी की के 72वें शहीदी दिवस के ऊपर जिस तरह की आज घटना हुई है दिल्ली शहर में, वो इस बात का प्रमाण है कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये भारत को उन दिनों की तरह वापस ले गई है, या उन दिनों की ओर वापस ले गई है जब इस मुल्क में ऐसा ही एक घृणा का वातावरण था जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखिए, मैंने अपनी बात शुरू ही यहां से की थी कि जिस घृणा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ली है, आज वो घृणा भारत के सत्ता के ऊपर काबिज है। और जिस तरह का घटनाक्रम राजधानी में अभी कुछ घंटे पहले व्यतीत हुआ है, वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो एक संयोजित तरीके से
एक इस देश में माहौल बनाया जा रहा है जो माहौल उसी तरीके का है जिस माहौल के खिलाफ लड़ते लड़ते महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखिए, जब धर्म के ऊपर भारत का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे से दो मुल्क निकले। एक मुल्क इस्लामिक पाकिस्तान बना और दूसरा मुल्क धर्मनिरपेक्ष भारत बना। उस समय भी ऐसी शक्तियां मौजूद थी। इस सरकार के जो पूर्वज थे, जो विचारात्मक पूर्वज थे, वो चाहते थे कि जो अगर भारत का बंटवारा धर्म के ऊपर हुआ है तो वो एक लॉजिकल नतीजे तक पहुंचे। पर भारत के जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा जिसमें हर फिरके, हर जात, हर धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और उनकी जो सोच थी उसको उन्होंने भारत के संविधान में परिवर्तित किया, उसको एक अमली जामा पहनाया। और आज 72 वर्ष बाद जब एनडीए भाजपा को यह मौका मिला है तो ये उसी इतिहास को दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और 21वीं सदी के भारत के उसके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हो गए। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई कैजुअल्टी हुई है तो भारत की अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से चरमरा गई है। सुनील, यू वर सेइंग समथिंग। लुक, what is worrying is not that the election commission has acted. The election commission has acted in accordance with whatever they thought was the best course of action. But if you have members of parliament and you have ministers in the union government adopting the stridency that we have seen, this is not coincidental. The fact is that they have shed all vestige of even any civility in terms of the attempt to completely and absolutely communalize the Delhi election. And therefore, the question which people in Delhi need to ask themselves, that are they going to be misled by this very crass and completely vitiated campaign which tries to appeal to the most vile and basic instincts of a person? Or would they actually want a more forward-looking, more progressive, a more future-oriented discourse to take place in this country? I think that's the choice which the people of Delhi have to make. Insofar as Mr. Anurag Thakur, who coincidentally till some time ago headed India's cricket also, or his colleague who's a member of parliament from Delhi are concerned, they are only symptoms of the problem. Obviously the Congress Party. The AAP is regressive. The AAP is one big balloon, which unfortunately has managed to try and convince people that they have something for they've done something for Delhi, which they have not. Because if you look at it, the city on every benchmark has actually deteriorated over the past 5 years. So therefore, the Congress is a tried and tested option. We were given a chance to serve the people of Delhi for 15 years. And I think successive Congress governments over 3 terms acquitted themselves
you know, very, very gracefully. And if the people of Delhi do give the Congress party a chance again, I think the Congress party would be able to do justice to the kind of development and governance that Delhi requires. I think, Sunil, that's an erroneous assessment of the situation. I read Mr. P.C. Chacko's statement today in the morning in the papers, and I think he answered your question, because this canard is not being run for the first time, and he has very clearly pointed out that from the 1st of February to the 6th of February, the Congress party, from the from its highest echelons to its last worker in the last mohalla, will be all out on the streets promising the people of Delhi better governance, a better life, if given a chance to serve again. Ji. Dekhiye, मोटी मोटी बात यह है जो इस सरकार के पिछले 5 वर्ष में समझ में नहीं आई कि सांप्रदायिक अस्थिरता या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं चल सकते। पैसा सबसे बड़ा कायर है और पैसा वहीं जाता है जहां पर उसको एक स्थायी माहौल मिलता है। मैं अंग्रेजी में दोहरा देता हूं, दैट मनी इज अ कावर्ड एंड मनी गोज टू द सेफेस्ट हार्बर। सोशल डिसहार्मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नॉट गो हैंड इन हैंड। द एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन डिलिबरेटली परसुइंग a policy of institutionalizing social disharmony in this country, and the logical casualty of that is the Indian economy, which has been pushed into a hole from where it may not emerge in the near future. Thank you. Yeah.